लेकर हमने प्रदर्शन किया है। हमारी मुख्य मांग थी एक तो लाइब्रेरी को चालू करने के लिए सुचारू रूप से, काफ़ी समय से हम ये मांग उठा रहे हैं, वी सी साहब का कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। दूसरी मांग थी हमारी लो कॉलेज को एडमिशन के लिए, इसके लिए भी हमने काफ़ी ज्ञापन दिए हैं वी सी साहब को, काफ़ी आंदोलन किए हैं, लेकिन उसके बावजूद आजकल में टटोला जा रहा है और मीठी गोली देकर छात्रों को महीनों से लाइब्रेरी के लिए ज्ञापन दे रहे हैं सर को, लेकिन सर हर बार टाल देते हैं कि करेंगे। पिछली बार आश्वासन दिया गया था कि नए सत्र में लाइब्रेरी को पूर्णतः काम करके उसको शुरू कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक नए सत्र को 15 दिन हो गए हैं, ना तो लाइब्रेरी में कुछ नया काम हुआ है, जैसे कि तैसी पड़ी है वो। और दूसरा मुद्दा हमारा था लॉ कॉलेज का, जिसमें अभी तक भी थर्ड ईयर लॉ में अभी तक एडमिशन नहीं लिए गए हैं, आधा साल बीतने को चला जाएगा, उसके बाद भी एडमिशन क्योंकि इन्होंने मतलब आश्वासन दे रहे हैं 2 महीने का। के जो लॉ में एडमिशन की बात है, उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पहले जुलाई में पत्र आ गया था 2017 में ही, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 18-19 में प्रवेश तभी करें जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुमति मिल जाए। हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संपर्क में हैं, और यहाँ प्राचार्य जो मॉर्निंग की हैं वो दिल्ली जाकर के आई भी थी उनकी टीम, और वहाँ से जो जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वो औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं, और मेरे ख्याल में 24 या 25 तारीख को बार काउंसिल की मीटिंग है दिल्ली में, तो उसमें अपेक्षित परिणाम आना चाहिए। जैसे अनुमति प्राप्त होगी हम मॉर्निंग में लॉ कॉलेज में एडमिशन कर देंगे। जहाँ तक लास्ट सेकेंड और 5 ईयर लॉ में एडमिशन का प्रश्न है, आपको पता है कि अभी MHRD ने निर्देश जारी कर दिया है और समस्त भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। रोस्टर का जो सिस्टम है वो किस रूप में लागू होगा, क्योंकि अभी हम यूनिट वाइज लागू कर रहे थे, अब शायद विश्वविद्यालय को एक इकाई मान करके लागू करने का वहाँ से निर्देश अपेक्षित है या संभावित है। तो जैसा निर्देश वहाँ से आएगा, 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उसके बाद MHRD क्या तय करती है, और वैसे भी रिजर्वेशन आप जानते हैं कि स्टेट का सब्जेक्ट है, उसके निर्णय के बाद स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन क्या आता है, उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो लास्ट सेकेंड और जो लास्ट 5 ईयर है उसमें मतलब सिलेक्शन होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया विजिट करेगी उनकी टीम, उसके बाद ही प्रवेश दिए जाएंगे। स्कोप ऑफ वर्क तय होने के बाद में अगर UGC से पैसा नहीं मिलता है तो 5 करोड़ रुपए उसके फर्निशिंग पे खर्च होगा, वो विश्वविद्यालय अपने साधनों से व्यय करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करके छात्रों के लिए नई लाइब्रेरी, बड़ी सुसज्जित स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी छात्रों के लिए 6 महीने के अंदर प्रस्तुत